तुर्की के लोगों ने एर्दोगन से बहुत ही खतरनाक मांग कर डाली। तुर्की में मौजूद फिलिस्तीन के समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि एर्दोगन अपनी तुर्क फौज गाजा में भेजें। गाजा के हालात से एर्दोगन पहले ही बहुत दुखी है और अगर इसी तरह राजनीतिक दबाव उन पर बढ़ता रहा तो गाजा वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट कभी भी बन सकता है। तुर्की की जनता सड़कों पर उतर आई है। तुर्की के लोग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अगर विरोध प्रदर्शन सिर्फ यहीं तक होता तो बाइडेन और नेतन्याहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन तुर्की के नाराज लोग जो फिलिस्तीन के लिए नारे लगा रहे थे, तुर्की के दक्षिण में मौजूद अदाना एयरबेस पर पहुंच गए, जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है और दावा किया जाता है कि यहां पर 50 की संख्या में एटम बम रखे हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन अदाना की सड़कों पर भी हो सकता था, लेकिन क्या जानबूझकर परमाणु बम वाले ठिकानों पर भीड़ का हमला करवाया जा रहा है? क्या रूस और ईरान मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, या फिर इन परमाणु अड्डों पर कब्जा करके अमेरिका या फिर इजराइल के लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? यहां बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है, साथ ही प्रदर्शनकारियों के नेता ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी भी दी है। Değerli kardeşlerim, biz burada Gazze'deki kadın ve çocuklar için masada elimiz güçlensin diye geldik. Gazze'deki kadın ve çocuklar için ara bir anlaşma yapılacak ve çocuklarla kadın çıkarılacaktı. Şimdi bunu yapanlar Gazze'deki kadın ve çocukların ölümüne sebep olacaklar. Hiç farkında değiller. खास बात यह है कि तुर्की के सिर्फ अदाना ही नहीं बल्कि और भी कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तुर्की दौरे पर हैं और वो किसी तरह इजराइल और तुर्की के बीच बिगड़ते रिश्तों को संभालने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन तुर्की के अंदर जहां से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दौरा होना था, वहां पर हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की तस्वीरें लगाई गई थी ताकि अमेरिका को ये बताया जा सके कि आखिर तुर्की के लोग क्या चाहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के कुछ अखबारों में तो यहां तक छपा है कि तुर्की के लोग ये मांग कर रहे हैं कि तुर्क सेना को गाजा के लोगों की रक्षा के लिए रवाना किया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन एक मंझे हुए राजनेता है, पब्लिक की नब्ज को समझते हैं, इसलिए उन्होंने तुर्की के इस्तांबुल में एक बहुत बड़ी रैली की थी और नेतन्याहू को आतंकवादी कहा। Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız. इस मौके पर बेहद चालाकी से अमेरिका ने ओयो क्लास की अपनी परमाणु पनडुब्बी भूमध्य सागर में उतार दी है। अमेरिका की नौसेना ने बताया है कि उसकी ओयो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गई है। कमांड ने सोमवार को स्वेज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी प्रकाशित की है। आमतौर पर पनडुब्बियों की तैनाती को गुप्त रखा जाता है, क्योंकि जब तक वो दुश्मन की नजर में ना आएंगी तब तक ज्यादा प्रभावी रहेंगी। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि उसकी पनडुब्बी भूमध्य सागर में तैनात है ताकि इजराइल के दुश्मनों में खौफ का माहौल पैदा हो। हालांकि अमेरिका की नौसेना ने ओयो क्लास के इस परमाणु पनडुब्बी की पूरी पहचान का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस तरह की पनडुब्बियों में टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें होती हैं। इन पनडुब्बियों में ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलें भी होती हैं, जो अमेरिका की परमाणु मिसाइल है और एक साथ कई वॉर हेड ले जा सकती है।
अमेरिका की ताकत को तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन भी जानते हैं और समझते हैं, और तुर्की नेटो का सदस्य भी है, लेकिन गाजा में जो हो रहा है उससे तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन काफी ज्यादा दुखी है। इसराइल तम 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. लेकिन इसराइल ने हमास को खत्म करने का फैसला कर दिया है और वो युद्ध विराम को तैयार नहीं है। अमेरिका भी इसराइल का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ जॉर्डन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, ये सभी मुल्क जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री के साथ एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है, लेकिन मतभेदों को रोक पाना अब आसान नहीं रह गया है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन गाजा में इसराइल की कार्रवाई को नरसंहार की संज्ञा दे रहे हैं। Ülkenin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da adalet nerede? Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. दूसरी तरफ एंटनी ब्लिंकन ने इराक का भी दौरा किया है। इराक का दौरा अप्रत्याशित है क्योंकि इसकी पहले कोई योजना ही नहीं थी, लेकिन माना जा रहा है कि इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी से मिलने का फैसला ब्लिंकन ने इसलिए किया क्योंकि इराक और सीरिया के एयरबेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इराक और सीरिया में मौजूद ईरान के फंड से चलने वाले संगठनों ने 17 अक्टूबर से अब तक अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर करीब 35 हमले किए हैं। माना यह जा रहा है कि एंटी ब्लिंकन ने इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी के जरिए ईरान को संदेश भेजा है, क्योंकि ब्लिंकन से मुलाकात के फौरन बाद अल सुदानी ईरान गए हैं और उन्होंने वहां अमेरिका की तरफ से ईरान को ये बताया है कि अगर सीरिया और इराक में अमेरिका पर हमले नहीं रुके तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ईरान का रुख नरम होता नहीं दिख रहा है क्योंकि ईरान के रक्षा मंत्री अशीत यानी ने कहा है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ इसराइल ने ये रणनीति बनाई है कि वो 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाएगा ताकि उसके खिलाफ दुनिया में बन रहा माहौल कामयाब ना हो पाए। तुर्की के राष्ट्रपति इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने अपना राजदूत भी इसराइल से बुला लिया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपना राजदूत वापस बुलाते हुए ये कहा कि अब नेतन्याहू इस लायक नहीं कि उनसे बात की जाए। तुर्की के राष्ट्रपति के इन बयानों से समझा जा सकता है कि तुर्की के अंदर इस वक्त गाजा पर किस तरह की उथल पुथल मची हुई है। Ülkenin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da adalet nerede? Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. कुल मिलाकर अगर गाजा में ऐसे ही इसराइल बम बरसाता रहा तो पूरा वेस्ट एशिया अस्थिर हो सकता है।